इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पांचवा दो भाई होंगे, एक सांवले होंगे, दूसरे गोरे होंगे। ये पांच परिचय बेटी पक्का हो जाए तो प्रणाम कर। सदगुरु का क्या कार्य? शिष्य को भगवान का पहचान बता दे। ऐसे होंगे तो भगवान मानना, ऐसे ना हो न मानना। अरे साहब क्या कहे, जय जय। शबरीमा देखने लगी, मुन के वचन समुझिए भाई, सरसीज लोचन आंख तो कमलवत है। हाँ भुजाएं देखी लंबी है, घुटने से सिर पर जटा मुकुट है, गले में बनमाल है, दो हैं हाथो हैं सांवले गोरे। अरे इतना पक्का भैया श्याम घो सुंदर दो भाई, तब शबरी था। भगवान थके थकाए आएंगे, लाडली पांव पखारना, सादर जल ले चरण पखारे, बोले सुंदर कंदमूल फल सुर सहित दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। जब आपके यहां कोई अतिथि हो, वो खाने लगे, पास में बैठिए, कैसा बना है हलवा, कैसा बना है गाजर वाला, थोड़ा रमेश थोड़ा हलवा और लाओ, थोड़ा और लाओ। अच्छा ये दही वड़ा बहू जी ने स्पेशल बनाया है, यानी मल्लू हलवाई ने स्पेशल बनाया है, जट तेरी बहू जी ने बनाया, ये मेरी छोटी वाली बहू रानी ने बनाया है, ये कौन बना, अरे ये मैया ने बनाया है, जरा मालपुआ दो रखो मालपुआ। लाड़ के साथ जब बैठ कर हम किसी को भोजन कराते हैं तो करने वाला भी पूछता है क्या जान लेके मानेंगे, तब रस आता है। लगा दो टेबल पर, लगा दो सबको, बिठा दो हारी कर दो, अब टूट पड़िए, लो हो गया। ऐसा होता है क्या? सभी माँ बैठ गई हो, साथ में बैठ गई। गुरु जी ने कहा था भगवान की प्रशंसा करना, शबरी माँ उल्टे भगवान से पूछती हैं क्या प्रभु विधि स्तुति करमो तुम्हारे के अधम जाते के भजे सो हरि का होई। कई लोग इससे उबर ही नहीं पाते, इसी में लगे रहते, पता लगाते रहते महाराज की जाति क्या है। महाराज ये कौन सी जाति है, ठाकुर जी ने बनाया। महाराज एक भोजन बनाने वाले महाराज, एक कथावाचक महाराज, बस दो महाराज, चक्कर में पड़े हो। परमात्मा ने शबरी माँ की सुनी
अटपटा जान पड़ा। अध्यात्म रामायण का अवलोकन करिएगा, ये प्रसंग बड़ा विस्तार से बाबा ने माँ को सुनाया, बहुत अच्छा है। भगत के भाव को समझकर परमात्मा ने कितना मधुर का कह रघुपति पूर्वक, छठवीं इंद्रिय निग्रहता, मन सम में, इंद्रियां दम।
बहुत कर्मों से विरक्ति। देखिए बहुत कर्म माने खट कर्म। मनुष्य जीवन पाकर पहले यह तय करना अत्यावश्यक है कि हमको भगवान ने किस कार्य के निमित्त भेजा है। हमको भगवान ने कथा करने के लिए भेजा है, हम कथा करें। मार्ग में कोई मिल गया, हमने तो डबल ब्रेड की फैक्ट्री लगाई है, तो प्रेम भूषण जी पता चला फैक्ट्री चलाने लगे। आए थे हरि भजन को वोटन लगे कपास। कोई मिल गया ऐसा है। अभी मेरी कथा प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में आंवले का बहुत बड़ा काम है, वहां कोई मिल जाए महाराज आंवले के काम में बड़ा लाभ है। तब हम आंवले का व्यापार कथा में आंवला कथा करते करते बोल, देखिए सब लोग यदि आंवले का मुरब्बा खाएंगे तो भक्ति और चकचका के आ जाएगी। अब राम कथा रह गई, अब क्या है तो आंवला कथा। क्या कहा प्रभु ने, छठ दमशील विरति बहु कर्म। आपको अन्यथा नहीं कह रहा हूं, मुझे मिलते हैं तो मैं क्या कहता हूं, मेरे इस छोटी सी खोपड़ी में 5 कोश है, इसमें कथा के अलावा कुछ ठीक नहीं होता, आता ही नहीं है, केवल राम कथा, जय जय राम कथा, दूसरा कुछ नहीं पता, दूसरा कुछ फीड नहीं होता है, केवल राम जी की कथा फीड होती है। बुद्धि काम नहीं करती मेरी, आप बताते रहोगे मैं सुनता रहूंगा, केवल कथा हरी कथा। एक काम विरत निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अरे विरति बहु कर्मा, सब कर्मों को एक तरफ करो, जो एक कर्म जिसमें आपका हृदय साथ हो, मन साथ हो, रुचि भी बने, एक काम करो, एक ही कार्य हमको यहां से पार कर देता है। बहुत कार्य न करो, हाँ बहुत बहुत धंधी आदमी किसी काम का नहीं करता। क्या कर रहे हैं, रुई का व्यवसाय, रुई का, अच्छा स्थाई काम है, नहीं नहीं जाड़े भर उसके बाद टाफी बेचते हैं, हो गया काम, ले हो तो कोई बात है। एक काम करो, एक कई साधे सब सदे, सब साधे सब जा करके देखो, अनुभव जन्य है, आए तो कहीं बहुत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।